जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। दोस्त, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में हम लोग आज लाए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। याद रखिए, ये टॉप 10 क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर के। तो याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। तो आज के हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या अब जो भी क्वेश्चन यहाँ हम लोग करेंगे वो एकदम टॉप 10 का क्वेश्चन है, इसी में से दोस्त सवाल आएंगे ही आएंगे, एकदम गारंटी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इसको एकदम रट के जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आते हैं, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत को। फिर दूसरा है डिलेक्सिया, डिलेक्सिया के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए। यहाँ तक कि इन सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आज बोल रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे दो साथियों। तो आप इसे इस चैनल से बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाज बता रहे हैं, इनका हर क्वेश्चन का सलूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन वृद्धि तथा विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। जी हाँ साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो साथियों, वृद्धि और विकास के बीच अंतर बिल्कुल अच्छे से रट के जाइएगा और इसके समान सिद्धांत को भी पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बढ़े, नंबर 4, मीडिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि मीडिया के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, मीडिया क्या है और मीडिया के कितने प्रकार होते हैं, और ख़ासकर मीडिया का प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है, इसके बारे में भी आप जरूर गहन अध्ययन कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 5वां, तो 5वां क्वेश्चन है टॉलमैन के चिन्ह अधिगमन सिद्धांत, यानी कि टॉलमैन एक वैज्ञानिक हैं, तो इनका एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है चिन्ह अधिगमन सिद्धांत। तो आप चिन्ह अधिगमन सिद्धांत को भी पढ़ लेंगे। अगला है नंबर 6, ब्रूनर। जी हाँ, ब्रूनर एक वैज्ञानिक है और इस ब्रूनर वैज्ञानिक का एक दिया गया है सिद्धांत, खोज अधिगमन सिद्धांत। तो आप खोज अधिगमन सिद्धांत को विस्तृत आप पढ़ लीजिएगा, विस्तृत आप देख लीजिएगा। यहाँ तक कि हम बार बार बोल रहे हैं, आप इन सारी क्वेश्चंस का आंसर आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चंस का आपका सलूशन करा दिया गया है। चलिए आगे नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों तथा मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थिति में सुधार के लिए उपायों का वर्णन करें, यानी कि वे बच्चे या वे लड़कियों या वे बच्चे या वे लड़के जो सामाजिक रूप से विछड़ गए हैं या मलिन बस्तियों में रह रहे हैं जहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों के परिस्थिति में क्या सुधार करना चाहिए, उनके उपाय का वर्णन करें। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8, विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की क्या अवधारणा है, यानी कि बच्चों के अंदर विकास विकसित होने के लिए बच्चों को बच्चों के अंदर विकास कैसे होगा, इसके लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण का रोल किस प्रकार होता है। नंबर 9 है, शिक्षण की स्थिति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए टीचिंग में, यानी पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या क्या अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक कि हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे इस YouTube चैनल पे आपको हर क्वेश्चंस की आंसर मिल जाएंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नंबर 10 है, परिपक्वता की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके शैक्षणिक महत्व को भी दर्शाएं, यानी कि परिपक्वता की अवधारणा क्या है और इसके शैक्षणिक महत्व क्या है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्त। इन 10 क्वेश्चंस के अलावा और भी एक दो क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी संभावना है आने की बोर्ड एग्जाम सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में। तो चलिए, एक दो और क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो था हम लोगों का साथियों 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन इसके अलावा भी और दो तीन क्वेश्चन हैं जो आप नीचे देख रहे हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस की संभावना है कि आ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो 10 क्वेश्चंस है इसको एकदम बिल्कुल आप रट के जाइए, बिल्कुल पढ़ के जाइए, तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपको कहीं भी इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो उसके अलावा 10 क्वेश्चंस के अलावा आगे का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स,
यानी ये भी सवाल आते हैं कि आप बताइए स्पोर्ट्स और गेम्स के बीच क्या डिफरेंस है। स्पोर्ट्स को हिंदी में कहते हैं खेल और गेम्स को हिंदी में कहते हैं क्रीड़ा। लेकिन अगर संस्कृत का मीनिंग संस्कृत की वजह से देखा जाए तो संस्कृत में खेल को ही क्रीड़ा क्रीड कहा गया है। क्रीड मतलब होता है खेलना। तो इस तरीके से संस्कृत के हिसाब से दोनों सेम है, लेकिन हिंदी इंग्लिश के हिसाब से स्पोर्ट्स को कहा गया खेल और गेम्स को कहा गया क्रीड़ा। तो ये दोनों के बीच के अंतर को भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। अगला है नंबर 12, वैश्वीकरण का वर्णन करें और बच्चों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे। नंबर 13 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें, यानी कि जीन पियाजे का क्या सिद्धांत है, किस पर, तो संज्ञानात्मक विकास पर, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से इसका तैयारी करके जाएंगे। आई होप, मुझे आशा है साथियों कि आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ के जाएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में नहीं हो। तो साथियों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, हम इसी तरीके का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो ज़रूर साथियों, इससे जुड़े रहें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और जानकारी को लाएंगे। तो तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।